तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च, पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसी नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्तवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। आप लोग सब मेरे साथ में हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हाथ उठाने का भी बड़ा महत्व होता है। कल हम हाथ क्यों उठाते हैं, इसका कारण बताए। जब एक समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी प्रश्न कर रही है, कहते प्रभु जिस समय दुशासन भरी सभा में मेरी लाज ले रहा था, मैंने आपको बड़े देर से पुकार रही थी, लेकिन आप आने में इतना देर क्यों लगा है। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम सच सच बताओ, तुमने दिल से मेरे को पुकार रही थी, इसलिए द्रौपदी तुम अपना दिल से बोलो, तुमने दिल से एक बार केवल मेरे को पुकारी। जिस समय दिल से तुमने पुकारी उसी समय मैंने प्रकट हो गया। द्रौपदी बोली, प्रभु मैं आपको बड़े देर से पुकार रही थी, जब दुशासन मुझे, मैं रजस्थला अवस्था में थी, जब राजमहल से पकड़ करके ला रहा था, तब से मैं पुकार रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम सही सही बताओ, तुम मुझे दिल से पुकार रही थी ना, ऊपर से पुकार रही थी। कहते प्रभु आप ऐसे क्यों बोलते हो। बोले द्रौपदी तुम बताओ, जिस समय दुशासन तुमको घिसटते हुए ला रहा था, तू क्या सोच रही थी। तुम ये सोच रही थी ये दुशासन मेरा क्या कर लेगा, मेरे पांच पांच पति है, जो भीम से सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज है, नकुल सहदेव वो भी कोई कम नहीं। कहते मेरे पांच पांच पति रहते, ये दुशासन मेरा क्या कर लेगा, तू सोच रही थी कि नहीं। कहते हाँ प्रभु मैं तो सोच रही थी। भगवान ने कहा, द्रौपदी जब तुमको पांच पांच पति रक्षा करने वाले हैं, फिर मैं बीच में क्यों आता। इसलिए मैं आधा रास्ता पर आकर के मैं वापस चला गया। बोले द्रौपदी और पास में भी आकर के मैं फिर वापस चला गया। बोले प्रभु क्यों। बोले तुमने जब देखी पंच पांडव तेरे को जुआ में हार चुके थे, तुम उनको तरफ में देख रही थी, जरूर ये कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन ऑलरेडी वो हार चुके थे, उनका सिर सबके सब नीचा था।
फिर तुम ये सोच रहे थे यहां पर सबके सब मेरे गुरुवर गए, भीष्म पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, इस सबके सब हमारे गुरुवर गए, मैं उनको कुलवधु हूं, थोड़ी मुझे ये विवस्त्र करने थोड़ी देर गई, तुम देख रहे थे ना सबके तरफ में। कहता हाँ प्रभु मैं देख रही थी। बोले द्रौपदी जब इतने लोग तुमको रक्षा करने वाले हैं फिर मैं बीच में क्यों आता, इसलिए नजदीक में आकर के फिर मैं दो बार वापस चला गया। बोले द्रौपदी मैंने एकदम नजदीक में आ गया था तेरे को बचाने के लिए, फिर तब भी मैं वापस चला गया। बोले क्यों प्रभु? बोले द्रौपदी तुम बताओ जब तुमको पंच पांडव ने रक्षा नहीं की, तुम्हारे गुरुवर्ग ने तुमको रक्षा नहीं की, उसी समय तुम स्वयं अपना कपड़े को हाथ में पकड़ करके रखी थी और दांतों को नीचे कपड़े दबा करके रखी थी। तुम यह सोच रही थी मैं स्वयं को स्वयं में रक्षा कर लूंगी। बोले द्रौपदी जब तुम स्वयं को स्वयं रक्षा कर सकती हो फिर मैं बीच में क्यों आता, इसलिए द्रौपदी वहां से भी मैंने वापस चला गया। लेकिन द्रौपदी तब मैंने यहां पर प्रकट हो गया जब तुमने देखी पंच पांडव तुमको रक्षा नहीं की, पितामह कोई रक्षा नहीं की, तुम स्वयं को स्वयं भी रक्षा नहीं कर पाती हो। जिस समय तुमने सारे भरसा को छोड़ करके दो हाथ को उठा करके हे गोविंद राघ शरण आप जीवन हारी, हे प्रभु आपके अलावा जगत में मुझे कोई भी रक्षा करने वाले नहीं, जब ऐसे हाथ उठा करके मेरे को पुकारी उसी समय में स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गया। सारा दुनिया के लोग देखते रह गए ये साड़ी की कोई नारी ना नारी की कोई साड़ी बनी हुई, 10,000 हाथी का शक्ति दुशासन का वो सब के सब समाप्त हो गया लेकिन चार गज साड़ी खत्म नहीं हुई। इसका मतलब है जब तक कि हम भगवान को एक मन से नहीं पुकारेंगे तब तक भगवान आने वाले नहीं, इसलिए हम लोगों को एकांतिक रूप में हनुमान जैसे शरणागत होनी चाहिए। हनुमान की जो आदर्श है ये संपूर्ण एकनिष्ठ राम भक्ति का आदर्श है, इसलिए आप लोगों को पता है जब माता सीता को उद्धार करके ले आए रामचंद्र ने विभीषण को भी भेज दिया लंका में चले जाओ, सुग्रीव को भी उन्होंने भेज दिया किष्कंधा में जाओ, जांबवान को भी भेज दिया तुम चले जाओ, नाल नील इस सबको रामचंद्र ने भेज दिया, लेकिन उन्होंने केवल एक व्यक्ति को नहीं ले जा, वो कौन है? हनुमान है। क्यों? उन तो सबको भेज दिया तब उनको हनुमान को भी भेज देना चाहिए था, लेकिन उनको हनुमान को क्यों नहीं भेज दिए? कारण क्या था हनुमान को नहीं भेजने का? कारण यही था हनुमान जी एक निष्ठ राम सेवक है, वो अखंड ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले, उनको आगे पीछे प्रभु राम को छोड़ करके उनको जगत में दूसरे व्यक्ति कहने वाले कोई नहीं थे। शादी नहीं किया ब्रह्मचारी, पिता माता भाई बंधु कहने वाले कोई नहीं, केवल कहने वाले तो प्रभु एकमात्र राम है, इसलिए प्रभु केवल हनुमान को नहीं भेजे और सब दुनिया प्रभु ने भेज दिया, इसलिए हनुमान भी एक निष्ठ राम सेवा की आदर्श को जगत को सिखा देते हैं। अगर आप राम का प्यारा बनना चाहते हो मेरे आदर्श को ग्रहण करो, स्वयं राम आपको श्री चरण में स्थान दे देंगे। बोले श्री सियावर राम चंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की जय। इसलिए हम जो ये हाथ उठाते हैं ये हाथ उठने का कारण है कि हे प्रभु आपके अलावा जगत में हमारे कहने वाले कोई नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा जब मैया की गोद में जाना चाहता है क्या करता है? हाथ उठाता है, मैया मुझे अपना गोद में उठा लो। हाथ उठाने का मतलब है कि हे प्रभु आप कृपा करें कि हमें आप अपना गोद में ले लो, अपना श्री चरण में स्थान दे दो।
आज हमारे बड़ा सौभाग्यवान है हम लोग, क्योंकि आज हम लोग ये हॉलैंड में, हमारे गुरुदेव कहते हैं ये हॉलैंड नहीं, ये होली लैंड है, ये पवित्र स्थान है, इसलिए आज यहाँ पर हम लोग आज भगवत कथा सत्संग हरि कीर्तन करने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताए जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लब्धम, का जन्म जन्मांतर का जो कोई पुण्य उदय हो तभी जीवन में ये सत्संग भगवत कथा सुनने का तभी जीव को सुजग मिलता है। इसलिए स्वयं राम लक्ष्मण जी को कहते हैं, स्वयं शंकर जी पार्वती को भी बता दिए, कहते हैं पार्वती जगत में सब कुछ सुलभ है लेकिन जगत में एक वस्तु की बड़ी दुर्लभ है। पार्वती पूछती है प्रभु क्या जगत में दुर्लभ है, शंकर जी कहते पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसार, ये संसार में सत्संग की बड़ी दुर्लभ है। उधर राम भी लक्ष्मण को ही बात बताते हैं, कहते लक्ष्मण जगत में सत्संगति दुर्लभ संसार निमिष दंड भर एको बार, इसलिए जीवन में सत्संग बड़ा दुर्लभ है। भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को यही बताते हैं, कहते हैं परीक्षित सत्संग जगत में बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ है, कहते सत्संग की इतने दुर्लभता है, कहते स्वर्ग सत्य च कैलासे वैकुंठ नास्ते अमरस, कहते ये भगवत कथा कहते जो कथा रस स्वर्ग में भी देवता को उपलब्ध नहीं है। इसलिए जिस समय प्रभु राम ये जगत छोड़ करके सांकेत धाम में जाने के लिए तैयारी है, सबके सब अयोध्यावासी प्रभु के साथ में जाने के लिए तैयार है, लेकिन देखा वहां पर हनुमान जी नहीं, बोले हनुमान जी कहां गए, ये हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं। प्रभु जाने के लिए तैयारी, सारा दुनिया तैयार जाने के लिए, लेकिन जो हनुमान राम के अलावा रह ही नहीं सकता है वो हनुमान कहां है, हनुमान तो दिख नहीं रहे, हनुमान को ढूंढो, हनुमान जी कहां। देखा हनुमान जी घर की एक कोण में बैठ करके प्रभु राम का नाम ले रहे थे, जय राम सिया राम जय जय राम। बोले हनुमान जी प्रभु ये अयोध्या छोड़ करके मरते जगत तो छोड़ करके प्रभु संकेत धाम को जाने के लिए तैयारी है, सारा दुनिया प्रभु को साथ में जाने के लिए तैयारी, लेकिन तू ये कोण में बैठे हुए क्या बात है। हनुमान जी ने कहा मैं ये मर्त जगत छोड़ करके जाना नहीं चाहता। बोले कारण क्या है, कहते कारण है कहते वहां मेरे को राम की कथा नहीं मिले, जो राम की कथा केवल ये मर्त जगत में ही उपलब्ध है, इसलिए मैं जहां पर राम की कथा नहीं, जहां सत्संग नहीं, कहते वैकुंठ लोक अपनी 90 से बता, भले ही वो वैकुंठ लोग है लेकिन वो वैकुंठ लोग भी हम जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वहां पर सत्संग नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वर्ग में भी देवता लोग यद्यपि स्वर्ग लोक में रहते हैं, अमृत बांध करते हैं, लेकिन वहां पर भगवत कथा नहीं। इसलिए भागवत में एक श्लोक बताया, कहते देवता अभी कामते, देवता लोग भी इसी मरते जगत में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों, बल इसी जगत में प्रभु राम की कथा है, प्रभु कृष्ण की कथा है, इसी जगत में कथा रूपी मंदाकिनी की नदी बहती है यहाँ पर। कहते स्वर्ग की बात छोड़ दो, कहते सत्य जहां पर पितामह ब्रह्मा उससे 7 लोक ऊपर में रहते हैं, कहते वह 7 लोक में भी ये हरि कथा सत्संग वहां भी नहीं, वहां भी सत्संग की दुर्लभता है। कहते सत्य लोग की बात छोड़ दो, पहले कैलाश है जहां पर स्वयं शंकर जी रहते हैं, इसलिए शंकर जी कहते पार्वती तू बड़ी भाग्यवती हो। बोले क्यों, बोले तेरे को यही बैठ बैठ कर कथा सुनने को मिल जाती है। कहते जानती हो पार्वती ये सत्संग सुनने के लिए मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है। कहते पार्वती अगर मुझे कभी
प्रभु राम की कथा सुनना हो, मैं ये कैलाश छोड़ करके मर्त्य जगत में जहाँ अगस्त ऋषि रहते हैं वहां पर जाता हूँ, उनका चरण निकट में बैठ करके ये राम कथा रूपी मंदाकिनी को मैं पान करता हूँ, कथा रस को मैं पान करता हूँ पार्वती, तो सौभाग्यवती हो मैं जो सुन करके आता हूँ तेरे को बोल देता हूँ। कहते कैलाश की बात ही छोड़ दो, उसको ऊपर जो वैकुंठ लोग है, कहते वैकुंठ नाश तेम रस साक्षात जहाँ भगवान रहते हैं, कहते वहां पर भी ये भक्ति रस, वहां पर भी ये भगवान का कथा वहां भी उपलब्ध नहीं। अगर कभी गरुण जी को कभी सत्संग सुनना हो, वो भी वैकुंठ छोड़ करके उनको भी इसी मरते जगत में आना पड़ता है भगवत कथा राम और कृष्ण कथा सुनने के लिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते अतः विभंतु सद्भाग्या, कहते भगवत कथा रस को कौन पान कर सकते हैं, ये कथा रस को कौन श्रवण करते हैं, कहते जन्मांतर भवेत पुण्य, जिनका जन्म जन्मांतर का कोई पुण्य उदय हुआ, कोई सद्भाग्य उदय हुआ है, तभी ये भगवत कथा कोई श्रवण कर सकते हैं। इसलिए भगवत कथा सुनने वाले व्यक्ति साधारण नहीं। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवत कथा श्रवण करना चाह रहे थे, इतने में स्वर्ग से देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए, बोले हे परीक्षित हे सुखदेव गोस्वामी आप ये अमृत कलश को लो, आप परीक्षित महाराज को पिला दो, और ये जो भागवत कथा आप परीक्षित महाराज को सुनाना चाहते हो ये कथा मृत हम लोगों को पान करा दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको भागवत कथा नहीं सुनाया, बोले तुम लोग स्वर्ग में जद्दे भी रहते हो लेकिन ये भागवत कथा श्रवण करने का तुम लायक नहीं, वहां से उनको भगा दिया। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं को काच को मणि महान, तुम लोग ये भागवत कथा एक मणि सदृश है और ये स्वर्ग का अमृत एक काच के टुकड़े के समान, और ये मणि को ये काच को साथ में तुम लोग बराबर करना चाहते हो, जाओ तुम लोग भागवत कथा नहीं सुन सकते। उन्होंने देवता लोगों को वहां से उन्होंने भगा दिया। वहां से देखो ये देवता लोगों को भी ये भागवत कथा सुनने का अधिकार नहीं मिला, वो सुन नहीं सके। इसलिए समझो हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं जो कि हम लोग इस मर्त्य जगत में, जितने भी मर्त्य जगत है ये मरणशील जगत है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है, यहाँ पर प्रभु राम की कथा, प्रभु कृष्ण की कथा, भगवान की कथा सुनने को मिलता है। इसलिए हम लोग परम सौभाग्यवान, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की, बलसियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हम लोग आज एक प्रसंग श्रवण करेंगे। कभी श्री नारद जी ये चाहते हैं कि जगत में भगवान का सबसे प्यारा भक्त कौन है, भगवान का सब भक्ति करते हैं लेकिन वो भक्ति में भी भगवान का सबसे प्यारा भक्त कौन है, ये नारद जी की ये इच्छा है। इसलिए श्री नारद जी सर्वप्रथम वो ये प्रह्लाद महाराज को पास में गए, उन्होंने सुना ये प्रह्लाद जी भगवान का परम भक्त है, इसलिए प्रह्लाद जी को पास में जाकर बोले प्रह्लाद सारा दुनिया बोलते हैं तू भगवान का बड़ा प्यारा भक्त है, क्योंकि तुमको जीवन में कितने कष्ट मिला तुम प्रभु का जब भजन करने के लिए गया, तुम्हारा पिता साक्षात हिरण्यकश्यप तुमको भगवान का भक्ति से च्युत करने के लिए बड़े कोशिश किए। अब लोगों को पता है जब प्रह्लाद प्रभु का भक्ति करता था उसको पिता हिरण्यकश्यप ने उसको मारने के लिए सारे चेष्टा कर लिया, उसको पहाड़ का ऊपर से लेकर के फेंकवाया, उनको जहर भी पिला दिया, उसको समुद्र में भी फेंकवा दिया, हाथी को प्यार के नीचे उसको पिसवा भी दिया, लेकिन उसने प्रभु का भजन नहीं छोड़ा। एक दिन हिरण्यकश्यप का बहन घर में आई जिसका नाम थी होलिका, देखा हिरण्यकश्यप बड़ा दुखी है,
बोले भैया तो दुखी क्यों? कहते बहनी हम क्या बताऊं, मेरे घर में एक कुलादार जन्म ले लिया, पता नहीं ये हरी हरी दिन भर करता रहता है, जो हरी हमारा शत्रु और मेरे बड़े भैया हिरण्याक्ष को बरहा अवतार में वध किया, ये दिन भर उसका नाम लेता है और ये संपूर्ण पृथ्वी को मैंने विजय प्राप्त किया, लेकिन वो प्रभु का भजन नहीं छोड़ता है और इसको मैंने मारने के लिए सारे कोशिश कर लिया लेकिन मरता नहीं। होली का बोली भैया चिंता मत कर, मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं आग में जलूंगी नहीं, आग मुझे स्पर्श नहीं कर सकती है, एक काम कर चिता सजाओ, चिता को बीच में मैं बैठी जाऊंगी, मेरे गोद में ये प्रभात को बैठा दो और आग जला दो। तो उन्होंने ऐसे किया, जब आग लगाया भगवान का वरदान होलिका के ऊपर थी, वो अग्नि उसका स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब भक्तों का उन्होंने द्रोह किया उसको उल्टा हो गया, होलिका तो जल करके राख बन गई लेकिन प्रह्लाद महाराज बीच में बैठ करके भगवत स्मरण कर रहे, प्रभु का भजन कर रहे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। इतने में जब उसमें भी नहीं मरा, उसको उन्होंने काल कोठरी में बंद करवा दिया, उसका अंदर में बिना खाए पिए सड़ गल कर खत्म हो जाएगा। जब बंद कर दिया, इतने में बैकुंठ में लक्ष्मी भगवान को भोजन कराने के लिए थाला में छापान भोग छतरी से व्यंजन लेकर के आई। भगवान बोल रहे हैं, लक्ष्मी तुम मुझे खिलाना चाहती हो, मेरा भक्त भूखा है, हिरण्यकश्यप मेरे प्रभात को काल कोठरी में बंद कर दिया, मेरा भक्त भूखा मैं कैसे खा सकता हूँ, चलो हम दोनों उसको खिला करके आते हैं। तो भगवान स्वयं बैकुंठ से उतर करके प्रह्लाद को खिला के दे जाते हैं। हिरण्यकश्यप कुछ दिन बाद में सोचा प्रह्लाद सड़ गल कर खत्म हो गया है, लेकिन जब दरवाजा खोलते हैं ना, देखा प्रह्लाद और मोटा ताजा हो गया, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी नारायण उनको रोज भगवान प्रसाद खिला करके जाते हैं, इसलिए भगवान उसको कितने तरह से रखा गया। और बाद में प्रह्लाद का भक्ति का इतना प्रभाव था, जब किसी तरह से प्रह्लाद को नहीं मार सका, बताया तेरे हरि कहाँ हैं? प्रह्लाद ने बताया बताओ मेरे हरि है नहीं कहाँ, बोले क्या स्तंभ में है? कहते मुझे तो दिख रहा है प्रभु स्तंभ में भी बैठ करके हंस रहे हैं। प्रह्लाद प्रभु का स्मरण किया, पहले तेरे प्रभु को दिखाता हूँ बाद में तेरे को दिखाऊंगा। इतने में हिरण्यकश्यप गदा उठाया, बड़े जोर से प्रहार किया, प्रहार करते ही स्वयं नरसिंह भगवान खंभे को फार करके प्रकट हो गए। बोले से नरसिंह भगवान की। अब प्रभु ने हिरण्यकश्यप को वध किया, वध करने का बाद भगवान का इतना क्रोध था, वहां पर ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी कोई भी प्रभु को शांत नहीं कर पाए, लेकिन जब प्रह्लाद आए, इतने में प्रभु का क्रोध में पानी फैल गया, प्रभु प्रह्लाद को गोद में बैठा करके चाटने लग गए। भगवान का प्रह्लाद मेरे लिए तेरे को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा बेटा। देखो यहाँ पर नारद जी ये प्रह्लाद की बात सुना रहे हैं, कहते प्रह्लाद तुम कितने बड़े भक्त हो, जिसके लिए भगवान को भी खंभे से प्रकट हो जाना पड़ा, हाँ इतना बड़ा भी तुमने काम किया और कितने विपत्ति तुमको जीवन में आई, लेकिन तुमने प्रभु का भजन तुमने नहीं छोड़ा, इसलिए तेरी जो भक्ति है बड़े दृढ़ भक्ति है। प्रभु यहाँ शिक्षा देते हैं प्रह्लाद, हमें भी कभी जीवन में प्रभु का भक्ति में थोड़ी बाधा विपत्ति आए तो हमें भी भजन नहीं छोड़ना चाहिए, हाँ प्रभु को पाने के लिए कभी कभी प्रभु बीच बीच में परीक्षा भी करते हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमें मिलेगा तब प्रेम पाने के लिए थोड़ी सी प्रभु परीक्षा वगैरह थोड़ी दे देंगे। इसी जगत में एक साधारण नौकरी के लिए हम कितना कष्ट करना पड़ता है, एक नौकरी के लिए 20-25 साल तक लेखा पढ़ा सीखो, 8-10 घंटा ड्यूटी दो और क्या क्या करना पड़ता है साधारण थोड़ी सी पैसा को पाने के लिए, लेकिन जिस प्रभु को पाने पर संपूर्ण जीवन का दुख दूर हो जाए तो प्रभु परीक्षा नहीं लेंगे। इसलिए अगर भक्ति करते हुए थोड़ी सी बाधा विपत्ति आए तो उसमें मुरझा जाना नहीं चाहिए, हर समय प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। जब नारद जी
प्रह्लाद को बताया, प्रह्लाद तो सबसे बड़े भक्त हो। प्रह्लाद ने कहा, प्रभु मेरे अंदर में तो भक्ति की लवलेस भी नहीं है, मेरे अंदर में भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, भक्ति भक्ति आप मेरी इतना बड़ाई की। तब प्रह्लाद ने अपना कवि को बताया, कहते भक्ति कहते हैं किसे, कहते भक्ति उसे कहते हैं, कहते अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। भक्ति उसे कहते हैं ये संपूर्ण इंद्रिय को द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए, सारी जगत की कामना वासना छोड़ करके, ज्ञान कर्म छोड़ करके, सर्व इंद्रिय दे करके प्रभु की सेवा ही भक्ति है। मैंने प्रभु का सेवा किया दिया, प्रभु मेरे लिए तो प्रकट हुए, बात सही है, मेरे को गोद में भी बैठा है, मेरे को लाड भी लड़ाए, लेकिन मैंने कुछ प्रभु का सेवा किया है, प्रभु को कुछ सेवा नहीं कर पाया, प्रभु मेरे को प्रकट होकर पुनः प्रभु अंतर ध्यान हो गए, इसलिए मेरे अंदर में तो भक्ति भक्ति कुछ भी नहीं है। अगर आप भक्ति देखना चाहते हो, मैं आपको बता रहा, जाओ ये अंबर सिंह महाराज के पास में जाओ, देखो अगर भक्ति जगत में कोई करने वाले, भजन करने वाले ये अंबर सिंह महाराज। इतने में नारद जी वहां से सीधा उन्होंने अम्बरीश महाराज के पास में गए, ये भागवत में उनकी कथा आती है। कहते ये अम्बरीश महाराज कौन है, कहते उसी समय ये अम्बरीश महाराज, कहते संपूर्ण पृथ्वी एक था, अभी जैसे अलग भारत हॉलैंड अलग, उस समय एक ही था। कहते ये अम्बरीश महाराज संपूर्ण पृथ्वी का ससागरा धरा पृथ्वी का एक छत्र राजत्व करने वाले थे, सारे पृथ्वी का राजा, लेकिन पृथ्वी का राजा होते हुए भी मन में कोई अभिमान उनका नहीं है। वो करते थे क्या, बोले वे एकादश इंद्रियों को दे करके भगवान की सेवा करते थे। तब से सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं उनको भक्ति कैसे थी, बोले सवई मन कृष्ण पदार बिंदयो बाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। कहते सबई मन, ये मन को क्या करते थे, कहते ये मन को भगवान का चरण में लगा कर रखते थे। कहते बाचांसी जब कुछ बोलते थे, कहते भगवान की कथा छोड़ करके, प्रभु की लीला कथा छोड़ करके, प्रभु का नाम छोड़ करके कुछ बोलते नहीं थे। अभी भजन गा रहे थे ना, जिसमें प्रभु का राम का नाम नहीं है वो भजन को नहीं गानी चाहिए, जिसमें प्रभु का गुणगान नहीं है ऐसे बोली कभी नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो लोग प्रभु राम की कथा प्रभु कृष्ण की कथा बोलते हैं समझ उनका जीवा ही सार्थकता है। जो प्रभु की कथा कीर्तन छोड़ करके इधर उधर की बात बोलते हैं वो जीवा नहीं, कहते वो तो मेढक का जीवा के बराबर। मेढक समझते है ना, मेढक बरसात का समय में देखना टर 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 करना है, इस सांप का आहार होता है मेढक। जब मेढक ट्रटर करे सांप देखता है मेरे को अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, मेरे आहार तो मुझे बुला रहा है, इतने में सर्पा अगर छट उसको पकड़ लेता है। कहते उसी तरह अगर ये जिह्वा के द्वारा हम कृष्ण कीर्तन नहीं करें इधर उधर का बात कर तो ये काल रूपी सर्प सिर पर बढ़ रहा है, ये काल रूपी सर्प। जब हम प्रभु का भक्ति का बात नहीं करेंगे वो आकर हमें पकड़ लेगा। अगर जो प्रभु की कीर्तन करते हैं प्रभु की नाम करते हैं, कहते काल वहां नहीं आता है, काल तो दूर से उनको प्रणाम करता है। इसलिए ये परीक्षित महाराज राजा होते हुए भी कीर्तन करते थे, हाथ को द्वारा ठाकुर का सेवा पूजा करते थे, प्यार को द्वारा तुलसी परिक्रमा प्रभु का धाम की परिक्रमा करते थे। इस संपूर्ण एकादश इंद्रियों को उन्होंने भगवत सेवा में लगा कर रखते। दूसरी पुराण में कथा आती है परीक्षित, ये अम्बरीश महाराज का बहुत सारी रानियां थी। अभी राजा और एक विवाह किया, सबसे छोटी रानी घर में जब आई, पर ये अम्बरीश महाराज दिन भर भगवत सेवा में इतने डूबे हुए थे उनको फुर्सत नहीं होता दिन में भी एक बार अपना छोटी रानी से मिले। अभी छोटी रानी परेशान है, राजा मुझे शादी करके ले आए, कम से कम एक बार तो आकर मिले, नहीं तो एक बार तो पूछे तुम कैसे हो।
और तुमको तेल साबुन साड़ी कुछ चाहिए कि नहीं, कम से एक बार तो पूछे। ये मेरे को शादी करके ले आए, मेरे को कोई पूछते ही नहीं दिन भर। छोटी रानी एक दिन देखने के लिए आई कि राजा करते हैं क्या। वो देखने के लिए आई तो ये पृथ्वी का राजा होकर के कहते, ये राज कार्य तो मंत्री को ऊपर में सौंप दिया। बोले मंत्री तुम ये राज कार्य को करो। और वो स्वयं ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे हैं। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके ठाकुर जी के लिए पुष्प चयन कर रहे हैं। अपना हाथ से ठाकुर का मंदिर साफ कर रहे हैं। अपना हाथों से ठाकुर के लिए पुष्पों की माला बना रहे हैं। ठाकुर जी के लिए सुंदर कपड़ा में ठाकुर को श्रृंगार करते हैं। देखो इन हाथों से अगर प्रभु को सेवा करें तो समझो ये हाथ की तभी सार्थकता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिन हाथों से हम ठाकुर को सेवा नहीं करते, ये हाथ क्या है? कत सबो करो बा गुरु तो सपंजिया हरे लसत कांचन कंकण होगा। कत यहाँ से यहाँ तक सोने की हम कंकण पहन कर रखे लेकिन प्रभु की चरण की हम सेवा नहीं करते। कत हाथ क्या है? कत सबो करो, ये हाथ हाथ नहीं, ये तो मरा हुआ हाथ है। ये हाथ की कोई लाभ नहीं है। ये हाथ की तभी सार्थकता जब ठाकुर जी का मंदिर मार्जन करे, ठाकुर की चरण की सेवा करे। बड़े भाग्य से इन हाथों से ठाकुर को सेवा होना है। इसलिए छोटी रानी ने देखी ये पृथ्वी का राजा होते हुए भी तो क्या कर रहे हैं, तो ठाकुर को सेवा स्वयं करते। अभी छोटी रानी सोच रही है ओ ये दिन भर ठाकुर को सेवा में लगे हुए इसलिए इनको समय नहीं होता है, कल से मैं थोड़ी सी इनको मदद कर दूंगी। इसलिए छोटी रानी ने किया कि राजा उठने से पहले उठ गई, उठ करके ठाकुर का मंदिर मार्जन कर दिया, ठाकुर के लिए चंदन उन्होंने खींच दिया, ठाकुर के लिए पुष्प चयन करके ले आई, सब कुछ सेवा को रेडी करके रखी। राजा जब सवेरे उठ करके स्नान करके तिलक लगा करके ठाकुर को सेवा करने के लिए गई ना, देखा ऑलरेडी सब ठाकुर को सेवा रेडी है। अगर हम बहुत खुश हो जाते अच्छा हो गया आज हमें काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन राजा बिगड़ गए। बोले मेरे सेवा को किसने छीन लिया। देखा ये छोटी रानी ने सेवा की। राजा ने कहा रानी अगर तुमको सेवा करना है तो मुझे बोलो, तुम्हारा घर में भी एक ठाकुर को मैं स्थापन कर दूंगा, लेकिन मेरी सेवा को तुमको छीनने का कोई जरूरत नहीं, मेरे सेवा को मैं स्वयं करूंगा। रानी ने बोली महाराज ठीक है, मेरे घर में भी ठाकुर स्थापन कर लो। उनके घर में उन्होंने भगवान को स्थापन कर दिया। अभी स्त्रियों में एक कला होती है, क्या कला है? स्त्रियां अपना शरीर को सुंदर रूप में श्रृंगार करती सजाती हैं। अभी राजा ठाकुर को जितने सुंदर रूप में सजाते थे और रानी उनसे भी सुंदर रूप में ठाकुर जी को केवल माला बनाती है, कपड़ा बनाती है। ठाकुर बड़े सुंदर अलका, राजा से भी सुंदर सेवा रानी करती है। राजा अभी किसी रानी को घर में राजा नहीं जाते हैं, राजा ये छोटी रानी को घर में आते हैं। बोले क्यों? कहते रानी से मिलने नहीं आते थे और रानी कैसे ठाकुर को सेवा करती थी उसको देखने आते थे। और भी रानियां थी, अभी उनके अंदर में कानाफूसी होने लगी। कहते क्या बात है, राजा तो पहले किसी रानी को घर में नहीं जाते थे, आज ये छोटी रानी को घर में क्यों जा रहे हैं, बात क्या है? तो उन्होंने अपने एक दासी को बोले देखो तो राजा क्या करते हैं उसको घर में जा करके। छोटी रानी ने देखी राजा रानी से मिलने नहीं जाते, राजा रानी की सेवा देखने के लिए जाते हैं और रानी को खूब बहावा देते हैं। बोले तुम तो गजब कर लिए हो, मेरे को तुमने फेल कर दिया ठाकुर को सेवा करके। हाँ अभी दूसरे रानियों को ये बात पता चला तो सब रानियां आ गई। बोले महाराज हमारा घर में भी आप ठाकुर स्थापन कर दो, हम भी ठाकुर का सेवा पूजा करना चाहते। राजा सुनकर खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है। राजा ने किया किया सब रानियों को घर में एक एक ठाकुर का स्थापन कर दिया। अभी रानियों में कंपटीशन हो गया, कौन कितना ठाकुर जी को श्रृंगार कर सकते हैं, ठाकुर को कौन कितना सजा सकते हैं, ठाकुर को कौन कितने सुंदर ठाकुर को सेवा कर सकते हैं। जो जितने ठाकुर को सुंदर श्रृंगार सेवा कर लेते राजा उसको उतना ही बाहवा देते थे। ये अम्बरीश महाराज स्वयं पृथ्वी का राजा होते हुए भी कोई अभिमान नहीं। अगर हमारे पास थोड़ी पैसा हो जाएगा ना हम क्या करेंगे, ठाकुर को सेवा करने का क्या जरूरत है, नौकर लग
वो सेवा करेंगे, हम तो खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, ठाकुर का सेवा करने का क्या जरूरत है, हमारे अंदर ये भावना आ जाती है। लेकिन वो संपूर्ण पृथ्वी का राजा है, लेकिन उनको पता है ये मानव जन्म बड़े भाग्य से मिला है, बड़ा भाग मान सदन बाबा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग्य से ये मानव जन्म में मिला है। ये जीवन की तभी सार्थकता जब इसी जीवन पा करेगा हम ठाकुर जी की भजन करे, ठाकुर को सेवा पूजा करे। इसलिए नारद जी जाकर के सुनाए थे अम्बरीश महाराज अब तो परम सौभाग्यवान हो भगवान के, आप इतने सेवा किए हो, इतने सेवा करते हो, कभी जो ब्रह्मसा अव्यर्थ है स्वयं दुर्वासा कौन है, साक्षात शंकर जी का अवतार, लेकिन स्वयं शंकर जी का अवतार दुर्वासा उनका ब्रह्म साप भी जहां पर कोई काम नहीं किया। अम्बरीश महाराज ऐसे भक्ति करते थे, ऐसे एकादशी व्रत रखते थे, इसलिए भक्त मात्र में एकादशी व्रत भी रखनी चाहिए। इसलिए भागवत में दिखाया कि एकादशी की इतना महत्व है, अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखते थे तो एकादशी व्रत कितना महत्व है, स्वयं दुर्वासा कुछ नहीं बिगड़ पाए, बल्कि उल्टा सुदर्शन चक्र उनको मारने के लिए दौड़ा। इसलिए एकादशी की बड़ी महत्व है। जब अम्बरीश महाराज को नारद जी खूब उनको भक्ति की महिमा गाए, अब परम भक्त हो, अम्बरीश ने कहा मेरे अंदर में तो भक्ति की लवलेस भी नहीं है, मेरे अंदर भक्ति भक्ति कुछ नहीं है। अगर तुम भक्ति देखना चाहते हो जाओ अयोध्या में प्रभु राम के सेवक हनुमान के पास में जाओ, जो प्रेमी भक्त है, दिन भर कैसे प्रभु राम ना जाने हनुमान के बिना, हनुमान ना जाने प्रभु राम के बिना, इसलिए वहां पर कैसे हनुमान जी प्रभु को सेवा कर रहे हैं, जाओ हनुमान को दर्शन करो, वो हमसे भी बड़े भक्त हनुमान है। इतने में नारद जी सीधा को सीधा हुए, वहां से एकदम संकेत में पहुंच गए श्री हनुमान जी के पास में, और उन्होंने हनुमान जी को उन्होंने बहुत बड़ाई की, बोले हनुमान जी आप जैसे भक्त जगत में कोई है ही नहीं, लेकिन कहते प्रभु साक्षात आपको सेवा में स्वीकार किया है, पहले हम श्रवण किया हनुमान जी अकुमार ब्रह्मचारी है, प्रभु सेवा करने के लिए वो स्वयं अखंड ब्रह्मचारी को उन्होंने पालन किया है, और संपूर्ण रूप में राम की सारे सेवा को ये हनुमान जी करते हैं। कभी हनुमान जी कौन है, कभी हनुमान कोई साधारण नहीं, वो स्वयं शंकर है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं रुद्र देह तेज नहवस बानर भय हनुमान, शंकर जी ने देखा ये शरीर से प्रभु का हम सेवा नहीं कर सकते, इसलिए हम ये रुद्र देह को उन्होंने त्याग दे करके शंकर जी स्वयं हनुमान बने। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं सीन सम को रघुपति व्रतधारी, शंकर जी के बराबर प्रभु राम को व्रत धारण करने वाले कौन होगा। इसलिए भगवान की परम जो भक्त है शंकर है, कहते शंकर जी के बगैर भगवान का कोई मिला नहीं होता है, कहते राम अवतार में तो वो स्वयं हनुमान बन करके आए, कहते कृष्ण अवतार में वो गोपेश्वर बन करके आते हैं, वृंदावन जो लोग गए उनको पता है शंकर जी वहां पर गोपी बनकर बैठे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं फिर वो अद्वैत आचार्य बन करके आते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। इसलिए ये हनुमान जी कौन है, कहते स्वयं शंकर है जो हनुमान बन करके प्रभु सेवा की शिक्षा देते हैं, इसलिए उनका आदर्श तो हमें ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए जिस समय प्रभु राम अगर लंका को कौन जाएगा, माता सीता की जब हरण हो गई बोले लंका कौन जा सकता है, वहां पर ऐसे कोई थे नहीं जो लंका में जाए और माता सीता कहां पर उनको पता लगा, कहते ये काम किसने किया है, कहते श्री हनुमान जी ने किया है ये काम को, कितने कठिन काम आप लोगों को पता है कितने कठिन काम हनुमान जी ने किया है। इसलिए जब माता सीता को उद्धार करके ले आए उसी में सबसे बड़ा काम हनुमान ने किया है, सबसे बड़ी सेवा, इसलिए माता सीता उनको प्रति बड़ी संतुष्ट थी, इसलिए वो सोच रही थी माता सीता उसको कुछ विशेष पुरस्कार दिया जाए,
इतने में माता सीता स्वयं अपना गजमुक्ता जो हार है उसको निकाल करके हनुमान को दे दिया, सबसे कीमती हार दिया। हनुमान हार को लेकर इधर उधर देखा, देख कर उसको दांत में काट काट कर उसको फेंक रहे थे। माता सीता ने बोले, वैसे कि क्या बोलते हैं बंदर को क्या आदर को पता है, आदर का स्वाद बंदर को क्या पता है, तुमको इतने कीमती चीज, सबसे कीमती चीज तुमको दिया और एक गजमती हार, और तुम इसको काट काट कर तुम फेंक रहे हो। एक काट काट कर फेंक रहे हैं क्यों, वैसे क्या बोलते जाति के बंदर है। हनुमान जी ने कहा, माता सीते इसलिए मैं इसको काट काट कर फेंक रहा हूँ, मैं देख रहा था इसमें प्रभु राम का नाम कहीं है कि नहीं, इसलिए मेरे कहीं प्रभु राम का नाम नहीं मिला, इसलिए मैं इसको काट काट कर फेंक रहा हूँ। जिस चीज में प्रभु राम का नाम नहीं, हनुमान उसको धारण नहीं करना है। माता सीता ने बोली, बात तो बड़े बड़े करते हो, बड़ी बड़ी बात करते हो, ये बताओ ये जो शरीर को तुमने धारण करके रख रहे हो, इस शरीर में क्या राम का नाम कहीं है, तो शरीर को ही फेंक दो। हनुमान जी ने कहा, मेरे अंदर में सीता और राम आप दोनों बैठे हो, तभी ये शरीर को मैं धारण करके रखा, अगर आप नहीं होते तो ये शरीर में मैं धारण नहीं करता। इतने में हनुमान ने अपना छाती को फाड़ करके अंदर में उन्होंने दिखा दिया, देखो आप दोनों प्रिया प्रियतम मेरे हृदय में आप दोनों ही बैठे हुए हो, तभी ये शरीर को मैं धारण करके रखा हूं। बलसियावर राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की। इसलिए हनुमान की ऐसे भक्ति जिनका रोम रोम में प्रभु राम बैठे हुए। एक समय माता सीता, लक्ष्मण लाल, भरत लाल, शत्रुघ्न, ये चारों ने एक समय मीटिंग की। उन्होंने मीटिंग करके बोले, देखो ये बंदर हनुमान हमारे ये सारे सेवा को छीन लिया, ये हमको कोई सेवा करने नहीं देता, दिन भर प्रभु का सेवा में ये लगा हुआ है। इतने में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने सबके सब विचार किया, बोले काम करो। बोले भाभी, सीता जी को बोले आप अंदर का सेवा आप ले लो, और जितने सारे बाहर का सेवा प्रभु राम की हम तीनों भाई मिलकर कर लेते हैं, ये हनुमान बंदर जी को निकाल दो यहाँ से, ये सारे सेवा यही लूट रहा है। इतने में चारों ने मिल करके बोले, हनुमान जी आज से आपका सारे सेवा बंद है, घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, ये अंदर की सेवा भाभी सीता जी करेगी और जितने बाहर की सेवा हम तीनों भाई कर लेंगे, आज से आपकी कोई जरूरत नहीं। हनुमान जी ने कहा, देखो मैं तो राम की सेवा के बगैर रह ही नहीं सकता, राम की सेवा ही मेरा प्राण है, मेरे को कम से कम कोई छोटी सेवा दे दो, जिस सेवा को लेकर मैं जीवित रहूं, राम सेवा के बगैर तो शरीर धारण नहीं कर सकता हूं। इतने में चारों ने मिल करके सोचा क्या सेवा दिया जाए जो बिना मतलब की हो। बोले राम को कभी जंभाई नहीं आता है, जंभाई समझते ना, हाँ क्या बोलते हैं, जो जंभाई कभी प्रभु राम को नहीं आता है, इसलिए एक काम करना, तुमको यही सेवा है, प्रभु राम को जब जंभाई आए ना तब तुम चुटकी बजाना, जब जंभाई आप चुटकी बजाते हैं ना, तो प्रभु राम भगवान है ना, जंभाई कब आता है, शरीर में क्लांति हो, हाँ शरीर में क्लांति हो तभी कोई जंभाई आते हैं, लेकिन प्रभु के शरीर में तो कोई जंभाई आ ही नहीं सकते, भगवान है, कभी ये सेवा की कोई जरूरत है ही नहीं। इसलिए एक काम करो, जब प्रभु राम की जंभाई आएगी तब चुटकी बजा कर सेवा तुम्हारी, जब बाहर निकलो, बाहर बैठो। अभी हनुमान जी को बाहर निकाल दिया, अभी हनुमान जी गेट को बाहर बैठ करके अभी तो रामचंद्र को दर्शन भी नहीं कर पा रहे, तो दर्शन नहीं कर पा रहे, हनुमान ने क्या किया, बोले पता नहीं प्रभु को कब जंभाई आ जाए, इसलिए हनुमान पहले ही और चुटकी बजाने शुरू किया, बैठ बैठ करके जय राम सिया राम जय जय राम करते करते चुटकी बजा रहे। लेकिन भगवान तो भक्तवत्सल है, भगवान तो भक्तवत्सल है, जब उसने चुटकी बजाना शुरू किया ना, राम को इतने जंभाई तो बाद में जंभाई आने लगा, किसी तरह से जंभाई बंद नहीं हो रहा है। अगर किसी को तो बोला जंभाई आए, सारे सेवा बंद हो जाता है। राम जंभाई के बाद में जंभाई, ये क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाए, वैद्य को, बोले प्रभु का जंभाई बंद नहीं हो रहा है।
डॉक्टर ने देख करके बोला भगवान को तो चंभाई आनी नहीं चाहिए, जरूर उसमें कुछ रहस्य है। किसने कहा आप हनुमान को बाहर से निकाल दिया, वो हनुमान तो गेट के बाहर बैठ कर चुटकी बजा रहा है, वो तो चुटकी बजा रहे हैं। इतने में आ करके देखा हनुमान तो चुटकी बजा रहे हैं, कहते ये चुटकी क्यों बजा रहे हो यहाँ पर बैठ बैठ करके, अब प्रभु चंभाई ले रहे हैं, कहते आप लोग तो हमारा सारे सेवा को छीन लिया, अभी तो हम प्रभु को कोई सेवा कर ही नहीं सकते, पता नहीं प्रभु को जब भाई कब आ जाए, इसलिए मैं चुटकी बजा रहा, इसलिए मैं चुटकी बजा रहा। इतने वो समझ गए भगवान राम हनुमान का प्रेम में बसीभूत है, इसलिए फिर हनुमान को सारे सेवा प्रभु हनुमान को वापस दे दिया, फिर हनुमान संतुष्ट हो गए। इसलिए जो हनुमान है जिनका जीवन संपूर्ण राम प्रेम में, राम सेवा में संपूर्ण जो अपना जीवन को उन्होंने लगा दिया है, इसलिए हनुमान से हमें ये चीज को शिक्षा करनी चाहिए। अगर कोई राम भक्ति करना चाहते हैं, उनका गुरु कौन है? राम भक्ति अगर करना चाहते हैं, उनका गुरु कौन है? यदि हनुमान जी है, ये गुरु है। अगर राम भक्ति करना तो हनुमान का आदर्श को लेकर हमें चलना पड़ेगा, फिर तो प्रभु राम जल्दी से जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए विभीषण ने क्या बोला, जब हनुमान जी लंका में गए सीता जी को खोज करने के लिए, कहीं माता सीता नहीं मिली, हठात उन्होंने देखा कि तुलसी वृक्ष है, कहते लंकापुर में तुलसी वृक्ष कहां से आ गया, ये तो भक्तों को घर में तुलसी वृक्ष होता है। देखो यहाँ शिक्षा है, अपना हर घर में तुलसी रखनी चाहिए। वो तुलसी वृक्ष को देख करके प्रभु हनुमान जी उतरते, अगर हम अपना घर में भी हनुमान जी को उतारना चाहते हैं, बा प्रभु राम का निवास चाहते हैं, अपना हर घर घर में तुलसी होनी ही चाहिए। भगवान जब ये जगत छोड़ करके गए, भगवान राम अपना स्वरूप को ये तुलसी में रख करके गए, ये तुलसी में तो तुलसी है ही है, राम तो है ही है, लक्ष्मी भी तुलसी में ही है, सीता माता भी तुलसी रूप में। इसलिए हर भक्त गला में हम देखो तुलसी कंठी पहनते हैं, देखो सारे हमारे इतने भक्त गला में तुलसी कंठी तिलक लगाए, ये तिलक भी बड़ी भव्य है। हनुमान जी का मूर्ति ना यहाँ पर होगा, देखो हनुमान जी का कितना बड़ा तिलक है, तिलक है ना, इसलिए ये तिलक की बड़ी महत्व है, एक गला में कंठी की बड़ी महत्व है। इसलिए गला में कंठी का मतलब है तुलसी कंठी, सख्यात प्रभु राम सीता नहीं राधा कृष्ण, सख्यात वृंदा देवी स्वयं भगवान, आपका कंठ में लक्ष्मी नारायण के निवास है। गला में तुलसी कंठी हो तो अब तुलसी में भगवान के निवास है, इसलिए गला में भगवान का भक्त मात्र में ही ये गला में तुलसी कंठी होनी चाहिए। ये शरीर को पवित्र रखता है, ये मन को कंट्रोल करता है, अपनी आप ये तुलसी भक्ति देवी है, ये मन को अपनी आप प्रभु के चरण में लगा देती है। इसलिए वैष्णव मात्र में ही जो राम भक्त जो रामानंदी संप्रदाय बगैर तुलसी कंठी में कुछ भोजन नहीं करते, इसलिए गला में तुलसी कंठी की बड़ी महत्व है। इसलिए घर घर में भी तुलसी वृक्ष होनी चाहिए, तुलसी वृक्ष मतलब लक्ष्मी के निवास है, भगवान के निवास है घर में। हनुमान जी वहां पर जब आए, फिर उन्होंने क्या देखा, घर को सामने शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह दर्शन किया, प्रभु राम का, हाँ प्रभु राम का नाम लिखा हुआ, लंका में प्रभु राम का नाम, भक्ति करने वाले। फिर सचमुच से देखा विभीषण जी है, विभीषण ने क्या बोले, आज मोई भरोसा होई हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कहते हे विभीषण बोले हे हनुमान आज मुझे विश्वास हो गया, क्या विश्वास हो गया, प्रभु राम मुझे जरूर मिलेंगे, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये हनुमान से मिले तो ये हनुमान सबसे बड़े संत है, हाँ इसलिए ये हनुमान जी ये गुरु है, इनकी कृपा से ही हम राम भक्ति तरफ में चल सकते हैं। इसलिए ये भक्ति जगत का आदर्श है, इसलिए हनुमान जी को प्रेमी भक्त बताया गया है, इसलिए हम लोगों को इनका आदर्श को लेनी चाहिए। हरे कृष्ण, मैं आपको थोड़ी सी 10 मिनट बाकी रह गया, आपको एक थोड़ी सी एक सुंदर कहानी मैं सुना देता, इसलिए जिसमें भगवान नाम की बड़ी महिमा है। 1 मिनट कीर्तन कर देते हैं, 1 मिनट।
बल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय रघुपति राघव करतल है राजा राम पतित पावन सीता जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय सिया राम ये कथा की रहस्य अगर हम समझ जाए समझो हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। अगर एक कथा की अगर रहस्य नहीं समझ पाए समझो हम बड़े दुर्भाग्य है। इसलिए ये कथा को आप याद भी रख लेना। आपका जो भक्त लोग है आपका जो मिलने वाले लोगों से भी ये कथा को सुनाते रहना। देखो अगर किसी व्यक्ति को हम समझा बुझा करके प्रभु का भजन में अगर लगा देते हैं, ये ब्रज गोपियां बोली कि जगत में ये सबसे बड़ा पुण्य है। कोई भले हजार हजार स्कूल कॉलेज खोल दे, कोई अन्न छत्र खोल दे, कोई स्कूल कॉलेज बनाए, उसमें जो पुण्य मिलेगा अगर एक व्यक्ति को प्रभु भक्ति में अगर आपने लगा दिया तो उसके करोड़ों गुण ज्यादा फल है। बोले कारण क्या है? अगर एक व्यक्ति प्रभु का भक्ति में लग जाए उसका जन्म मृत्यु चक्र से निकल करके चिरकाल के लिए प्रभु के पास में पहुंच जाता है। जिसको कृष्ण गीता में बोले चत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, जिस धाम में जाने पर जीव पुनः दोबारा ये जन्म मृत्यु का चक्र में कोई पड़ता ही नहीं, वो प्रभु का धाम है। इसलिए भगवत भजन में दूसरे को लगाने का बड़ी पुण्य है। ये कहानी मैंने पिछले बार भी सुनाया था। कहते कोई एक राजा था, कहते राजा की वो चार रानियां थी। कितने? चार रानियां। कहते राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसका मन पसंद चीज देता था। जब वो जो कुछ मांगती थी उसको मन रक्षा करने के लिए उसी समय उसको ला कर दिया करता था। रानी की राजा की जो दूसरी रानी थी, चार रानियों में वो सबसे सुंदर थी। राजा जब नगर घूमने जाता था रथ में बैठे करके, वो रानी को बैठा करके पूरा ये दुनिया को दिखाता था, देखो ये मेरी रानी कितनी सुंदर है। राजा की जो तीसरी रानी थी वो बड़ी मीठी मीठी बोली बोलती थी, बात बना बना करके मीठी मीठी बोली बोलती थी। इसलिए राजा जब घूम करके आते थे वो रानी को पास में बैठ करके उसकी मीठी मीठी बोली, हाँ नई नई मीठी मीठी बोली वो सुनते थे और अपना मन की बात उसको बोलते थे।
राजा की जो चौथी रानी थी है तो बड़ी प्यारी सुंदरी, लेकिन राजा उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। कभी भूल से उसको पूछे नहीं तेरे को साबुन तेल साड़ी कुछ चाहिए, उसको कभी नहीं पूछते थे। वो बेचारी बड़ी दुखी होकर रहती थी, शादी करके लाए और उन्हें कुछ पूछते नहीं। अभी राजा को ये जगत से जाने का समय आ गया। राजा ने सोचा मेरी चार चार रानियां, इनको मैं पूछता हूँ वो कहाँ तक मेरे साथ देती हैं। राजा ने सबसे बड़ी रानी से पूछे, बोले रानी सबसे ज्यादा मैं तेरे को प्रेम करता था। बोले हाँ, कब जब जो कुछ मांगी तुमने उसी समय ला करके दिया, ना करते थे। कहते मेरे को ये जगत छोड़ करके जाने का समय हो गया, मेरे साथ में चलोगी? और रानी बोलती है, महाराज आपको साथ में एक कदम भी नहीं चल सकती, आपका साथ में नहीं दे सकती हूँ। कहते क्या सुख का समय साथ दिया और दुख का समय साथ नहीं चल सकती हूँ? कहते मैं मजबूरी हूँ। राजा को बड़े धोखा वहां से मिला। कहते पूरा जिंदगी इसके लिए लगा दिया और जाने के लिए तैयार नहीं, बड़े धोखा मिला, बड़ा दुख हुआ। सोचे दूसरी रानी को प्रश्न करती हूँ जब सबसे सुंदरी थी। बोले रानी तू तो क्या करोगी, तू तो सबसे सुंदरी हो, तेरे को लेकर पूरा देश में घुमाया करता था, बढ़िया बढ़िया साड़ी और अलंकार पहना करेगी, तू क्या करोगी? बोले महाराज मैं तो देख रही हूँ कब आप मरोगे, मैं दूसरे से शादी कर दूंगी। कहते क्या? कहते महाराज देखो मैं कितने सुंदरी हूँ। कहते तुम तो सुंदर है ही हो, कहते जहां जाओ वही मुझे पसंद कर लेगा, फिर दूसरे से मैं शादी कर लूंगी। तो देखो कैसी बात करती है, कहते मेरे साथ में चलोगी नहीं? कहते चलोगी क्या, मुझे दूसरे से शादी करो, मैं तो सोच रहा कब जल्दी जल्दी मरो। राजा को बड़ा दुख हुआ। तब तो उन्होंने तीसरी रानी से पूछे, बोले रानी तू क्या करोगी, चलोगी मेरे साथ में? कहते ये थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले महाराज मैं चल सकती हूँ आपके साथ में, लेकिन दरवाजा तक मैं चलूंगा। कहते दरवाजा तक चलना, कोई चलना बोलते हैं? कहते महाराज मैं मजबूरी हूँ, अगर बोलोगे तो और थोड़ी दूर जा सकती हूँ लेकिन साथ नहीं चल सकती। राजा को वहां से भी धोखा मिली। अभी चौथी रैंक की नंबर आई। राजा सोच रहे हैं इसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं, उसको मैं पूछू कैसे? जिसके लिए करो उसको हम पूछ सकते हैं, लेकिन जिसके लिए कुछ मत करो उसको क्या पूछ सकते हो आप? सोचा रानी जब पूछ ही लेता हूँ। बोले रानी तू क्या करोगी, मेरे साथ में चलोगी? रानी को तो बड़ा क्रोध आ गया। बोले तेरे को शर्म नहीं लगता है, तुमने मेरे को शादी करके घर में लाए हो, कभी भूल से भी मेरे तरफ पे झांक करके तुमने देखा? भले मत दो कुछ, लेकिन खातिर से तुमने कभी पूछा तेरे को साड़ी तेल साबुन कुछ चाहिए? तुमने मेरे को कभी पूछा? तुमने शर्म तेरे को लगनी चाहिए, अब अंतिम समय पर मेरे पूछ रहे हो साथ में चलोगी? राजा ने बोला रानी मैं तो पूछना ही नहीं चाहता था, लेकिन सोचा था ये रानी उसको पूछ लूं। और चौथी रानी बोलती है, महाराज आपको मैं दिल से बड़ी प्रेम करती हूँ, इसलिए महाराज भले ही आप मेरे साथ नहीं दिए हो, लेकिन आप जहां चलोगे आपको साथ साथ में मैं चलूंगी, आपका दुख में मैं दुखी बनूंगी, आपका सुख में मैं सुखी बनूंगी, खुद भोजन नहीं करके आपको मैं भोजन कराऊंगी, प्राण समय आए तो अपना प्राण को हाथ में लेकर के आपको मैं प्राण बचाऊंगी। राजा तो सुन सुन कर हैरान, हे भगवान जिनके लिए हम संपूर्ण जीवन दे दिया वो कोई मेरे साथ देने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया वो बोलती है मेरे साथ साथ चलेगी, सुख में सुखी दुख में दुखी, प्राण दे करके सेवा करेगी। देखो मैंने आपको ये कथा सुनाया, अभी कथा में ये कथा हमारा जीवन की कथा है, इसमें बहुत अच्छी शिक्षा है। अगर इस शिक्षा को अगर आप ग्रहण कर लोगे आपका काया बदली जाएगी, जीवन बदली जाएगी। अगर ये कथा को अगर आप नहीं समझ सके समझो हम बेकार, हमारा जीवन है। अभी इसकी मैं रहस्य बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, अपना जीवन की कथा है। कहते राजा सबसे बड़ी रानी को ज्यादा प्यार करता था, इसका मतलब है इसी जगत में हम जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। नहीं बताओ तो, कोई हाथ उठाओ इसका उत्तर दो, जगत में हम किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? हाँ
और कोई है, कोई बोल सकते हैं? इन्होंने इन्होंने सही दिया, इन्होंने उत्तर सही दिया है। हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये जगत में जो प्रेम दिखता है, जगत में प्रेम नहीं, काम है। जगत में स्वार्थ है, जगत में तत्व। तो इसी जगत में कोई प्रेम नाम का कोई चीज नहीं। ये जगत में केवल काम स्वार्थ है। ऊपर से जो थोड़ी सी प्रेम दिखता है वो प्रेम नहीं, वो उससे कुछ स्वार्थ मिल रहा है, इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं। अगर वो स्वार्थ खत्म हो जाए, वो पत्नी क्यों नहीं हो, बेटा क्यों नहीं हो, बेटी क्यों नहीं हो, सर नाता को हम तोड़ देते हैं। इस शरीर को जो जितना प्रेम करता है उसका हम उतना ही प्रेम करते हैं। हम बोलेंगे नहीं, हम तो अपना बीवी को बड़े प्रेम करते हैं, हम बीवी को छोड़कर कुछ जानते नहीं। हमारे गुरु जी बोलते हैं उसकी थोड़ी नाक टेढ़ी हो जाए, देखना तुम कितना प्रेम करते हो। उसकी थोड़ी नाक टेढ़ी हो जाए, देखो मुंह में थोड़ा आग लग जाए, देखना तुम कितना अपना बीवी को प्रेम करते हो। वो देखते देखते दूसरे को घर में ले आओगी। इसलिए जगत में जो प्रेम कोई प्रेम प्रेम नहीं, संपूर्ण स्वार्थ काम है। इसलिए हम प्रेम करते इसी शरीर को, ये शरीर को सुख देने के लिए हम संसार में जो कुछ किया है, लिखाई पढ़ाई शादी सुधा दुनियादारी जो कुछ किया, केवल ये शरीर को सुख देने के लिए। लेकिन जब अंतिम समय आया, जब ये शरीर को हमने पूछा तुम चलोगे साथ में, ये शरीर उतर देता है, एक कदम भी तेरे साथ में नहीं चलूंगा। इसलिए एक भजन में गया, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, केवल पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, केवल पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब शरीर से परमात्मा चले जाए, शरीर यहाँ के तहाँ रह जाए, शरीर हमारा साथ नहीं देता, इस सबसे हम ज्यादा दुख लिया। दूसरी नंबर जो सबसे सुंदर थे, जिसको दुनिया को दिखाया करते थे, वो कौन है? इन्होंने बताया तो पैसा है। पैसा रहेगा, बढ़िया बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया मकान बनाएंगे। हाँ, ये पैसा की कमाल है। जब पैसा को पूछे तो चलोगे साथ में, वो बोलती है मैं देख रहा हूँ कब तुम मरोगे, दूसरे से शादी करो। इसका मतलब है जब ये शरीर छूट जाएगा, आज हमारे पास में पैसा, कल ये पैसा दूसरे के पास में चला जाएगा, दूसरे उसको भोग करेगा, खाएगा पिएगा बस चलेगा। वो बोले दूसरे से मैं शादी करूंगी। इसलिए जिस पैसा के लिए हम इतना कष्ट किया, वो पैसा भी साथ नहीं देती। अभी तीसरे नंबर में जिसको पास में बैठकर गप्पे मारता था, मीठी मीठी बोली सुनता था, वो कौन है? कहते पूरा परिवार है। हाँ, परिवार को साथ में बैठ करके गप्पे करते हैं मीठी मीठी। तो सर्वप्रथम नंबर पत्नी की आई, पत्नी को पूछे तो चलोगी? कहते मैं चलूंगी, दरवाजा तक चलूंगी। हमारे हिंदू संस्कृति में पत्नी पति को साथ नहीं चलती, वो रोए खोए जो कुछ कर घर को अंदर में, घर से बाहर नहीं करती है। इसलिए वो बोलती चलूंगी, दरवाजा तक चलूंगी। परिवार वालों को पूछे चलोगे? कहते हम चलेंगे, तुम्हारा लिए बहुत बढ़िया गाड़ी ले आएंगे। बोले कौन सा गाड़ी? बोले तुम्हारे लिए अर्थी सजाएंगे। बोले कहाँ तक लेके जाओ? बोले प्लेन घाट तक ले जाएंगे, प्लेन में बैठा लेंगे। बोले कौन सा प्लेन है? कहते तुम्हारे लिए चीता सजाएंगे, और उसमें लेटा करके चला करके बस टाट राम राम करके हम वही वापस आए। अभी जिस तीनों को हमने इतने प्रेम किया, ये तीनों सबके सब हमारे साथ में, कोई जाने वाले नहीं। देखो अभी चौथी की नंबर आती है, जिसको तरफ में हम एक बार भी भूल से झांक कर नहीं देखा। कहते कौन है? ये भगवान है और उनका नाम है। सारा दुनिया की हम काम कर लेंगे। भगवत का तृतीय स्कंध में आता है, भगवान कपिल देव अपना मैया को बताते हैं, कहते मैया गर्भ में जब हम आते हैं, 7 महीना में बच्चे को ज्ञान होने पर उसका बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है गर्भ में। कहते गर्भवास एक नरकवास है। उसी समय बच्चा हजार हजार जन्म की बात याद आता है, उस समय प्रभु दर्शन देते हैं, कहते प्रभु मेरे को ये नरक से निकाल दो। भगवान कहते अगर निकालूंगा तो करोगे क्या? कहते प्रभु मैं कान पकड़ता हूँ, कभी ये छूटा माया में मैं फंसूंगा नहीं। इस बार एक बार चांस दे दोगे ना, उठते बैठते सोते केवल तेरा ही भजन करूंगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं आए थे हरि भजन को, ओटो न लगे कपास। प्रभु का भजन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तक दूसरे काम में लग गए। हाँ, प्रभु से बोल करके आए थे, प्रभु
उठते बैठते तेरा ही भजन करूंगा। लेकिन अगर बोलो थोड़ा माला लेकर के थोड़ा प्रभु का नाम करो, कितने बहाना बनाएंगे, कुछ समय है नहीं। टीवी कितना समय देखते हो, तीन तीन घंटा भले ही उल्टा सीधा नंगा पिक्चर, उल्टा सीधा पिक्चर देखते लग जाएंगे। नहीं तो लाइन में खड़े होंगे आधा घंटा, अगर सही टिकट नहीं मिलेगा ब्लॉक में खरीदी कर लेंगे, उल्टा सीधा पैसा खर्चा करके भले ही देख ले, लेकिन बोलो थोड़ा प्रभु का नाम लो, भजन हमारे पास कोई समय नहीं। उसको तरफ में हम झांक कर भी नहीं देखा, लेकिन जब अंतिम समय आया उसको पूछा साथ में चलोगे, कहते अगर कोई जाने वाला केवल हम ही तुम्हारे साथ में जाने वाला। इसलिए हमारे भारत में लोगों को लगे जाते समय क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, यही बोलते हैं ना, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो करते है, सब कोई बात झूठा। अंतिम समय सुनाते बेटा, जितना तुमने भजन किए हो अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, प्रभु का भजन छोड़ करके सब छूटा है, और जो कुछ किए हो सब यही छोड़ कर तेरे को जाना पड़ रहा है, जगत में तेरा साथ कोई नहीं जा रहा है। इसलिए मीरा बोलती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मोर सद गुरु कृपा करे आपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कभी कैस धन है, कहते चोर नहीं लेवे लूट नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाय, ये संपत्ति चोर नहीं लेने वाले लूटने वाले नहीं, ये दिन प्रतिदिन ये संपत्ति बढ़ जाती है। देखो आप लोग मेरे तरफ में थोड़ी सी देखो ठीक से ध्यान से, ये चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखा दिया है। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हैं आप, ये जगन्नाथपुरी में थे, और दो मिनट यहाँ अब समय हो गया, और दो मिनट समय लेता चैतन्य महाप्रभु इधर देखो भैया इधर दो मिनट हो। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, एक दिन महाप्रभु को उनका भक्त लोग निमंत्रण दे रहे थे, प्रभु आज मेरे घर में भोजन, प्रभु मेरे घर में भोजन। महाप्रभु एक शिक्षा देने के लिए बोला देखो मैं सभी के घर में खाना नहीं खाता हूँ। भक्त लोग ने पूछा प्रभु फिर आप किसको घर में भोजन करते हो, महाप्रभु ने कहा जो लखपति होगा उसको घर में भोजन करता है। और ये महाप्रभु का समय में लखपति कोई साधारण बात नहीं था, आज से 500 साल पहले 100 रुपया होना भी कठिन होता था। हमारा पूरी भारत में आज से 40 साल पहले अगर कोई लखपति होता था उसको घर के ऊपर एक झंडा गाड़ दिया जाता लखपति है, अब तो करोड़पति का कोई कीमत नहीं। अब महाप्रभु का समय पर बहुत कठिन था, महाप्रभु ने बोले जो लखपति उसको घर में भोजन करेंगे, भक्तों लोग तो दुखी हो गए। कहते महाप्रभु में लाख की बात कर रहे, कहते प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं मिलेगा। उसी समय 1 रुपया सोने का मोहर होता था, बोले प्रभु मेरे हमारे घर में तो 100 रुपया तक ही नहीं होगा, आप तो लाख की बात कर रहे हो, तब क्या हमारा घर में आप भजन ही नहीं करोगे। महाप्रभु ने कहा सबको बैठा, कहते बच्चों समझो असली लखपति कौन है। तो महाप्रभु ने कहा जो रोजाना 1 लाख प्रभु का नाम लेता है वो असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी एक दिन ओ कंगाल हुए, सोना चांदी माया बालो मैं समझाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हाँ ये मीरा की भजन है, इसलिए देखो मेरे तरफ महाप्रभु ने क्या बताया, जैसे ये माला है हाँ एक तरफ मोटी और एक तरफ छोटी होता है, इसलिए पहले सुर करनी चाहिए। नियम है माला का जो आकृति सर्पाकृति होनी चाहिए, सांप जैसे उसका मुंह मोटा और पूंछ पतला होता है, ये नियम है माला की।
इसलिए ये मोटे तरफ से माला करते हैं, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक मोती से रखता है। जब एक बार ये नाम लिया कितना बार हो गया देखो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 एक बार हो गया, एक बार बोलते 16 हो गया, उसमें 108 है। अगर एक बार माला हो गया, अगर ऐसे ही अगर 16 बार अगर प्रभु का नाम 16 राम जो अगर नाम हो जाता है, उसका काउंटिंग में हो जाता है 25,000, भगवान का 25,000 नाम। और अगर 64 माला अगर किसी ने कर लिया, इसका मतलब 1,00,000 हो गया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुमने 1,00,000 नाम नहीं किया, आज तुम्हारा नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। कहते कितना मिलेगा आपको अगले जीवन में, दीन दीन बढ़त सवाय। मतलब आज अगर 1,00,000 नाम लिया तो कल आपको 2,25,000 रुपया मिलेगा, 2,25,000 रुपया मिलेगा। असली यही तो प्रभु का नाम, ये असली धन है। तब हमारे गुरु जी कहते थे मानो आपको पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कितने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपका ये चोला बदल जाएगा, शरीर बदल गया, हम 1 पैसा छू सकते हैं नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे मानो नेक्स्ट घर में तुम्हारी जन्म हो गई, वर घर में अभी तुमको रोटी नहीं मिल रहा है, लेकिन तुमको पता है किस कारण से एक मकान मैंने बनाया था, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, ये सब मेरा कारोबार मेरा था, लेकिन अभी मैं गरीब घर में जन्म हो गया, रोटी नहीं मिल रहा है। आप जाकर अपना बेटे को बोलो, पत्नी को बोलो, पहले की सारे संपत्ति का मालिक मैंने था, मैंने कमाया हुआ, लेकिन अभी मेरे को दूसरे जीवन में रोटी नहीं मिल रहा है, आपका बच्चे पत्नी आपको देंगे पैसा? पत्नी तो पहले डंडा लेकर बाहर में दौड़ेगी, बोले हमारा पति बन रहे हो, भाग यहाँ से, कहाँ से आ गया, बच्चे को थप्पड़ मार कर भगा देंगे। देखो केवल थोड़ी सी चोला बदली गई तो आप 1 पैसा का अंशधार नहीं बन सकते हो, लेकिन यहाँ मीरा कहती है ऐसे कौन सा धन है जिसको अगर हम कमाते कमाते शरीर छूट जाएगा तो जितना कमाया उतना नहीं, उसका जीवन दूसरे जीवन में आपको ब्याज समेत मिलेगी। जिसको पत्नी कमाने पर जिसका पत्नी का अधिकार नहीं होगी, जिसको पत्नी कमाएगा जिसका पति का अधिकार नहीं, इसका जो कमाएगा केवल वही अधिकार, कौन हो क्या है, कहते भगवान का नाम है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। इसलिए आप लोग कोशिश करना थोड़ी थोड़ी माला करने के लिए, तब हमारा इतना कथा सुनाना सार्थकता हो जाएगा। ठीक है, अभी ठाकुर जी का आरती करेंगे ना क्या? ठीक, हम भी थोड़ी सी कीर्तन कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा प्रभु का कीर्तन कर, आज एक साथ में प्रभु का कीर्तन में हम नाचेंगे, प्रभु का नाच कीर्तन में नाचने का बड़े महत्व, आरती होगी ना, आरती होगा, हम सब कीर्तन में थोड़ा नाचेंगे। बोलिए सियावर राम चंद्र भगवान की जय। अपने आसन से सब उठकर खड़े हो जाइए आरती के लिए।